मैं देखती हूँ कांडी को प्यारे के शरीर में जाने से कौन रोकता है। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ये मेरा घर है, तू निकल बाहर यहाँ से। नहीं निकलूंगी, जा। आपने कितना सारा खाना बनाया मेरे लिए। चुप, ये तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए है। वेल थैंक यू। सॉरी, लेकिन चिंता मत कीजिए जीजा जी, इसमें से थोड़ा बहुत हम आपको भी खिला देंगे। अरे चुप, तुम्हारे लिए नहीं। अरे टीकू बेटा, ये तुम्हारे मौसा जी के लिए बनाया है। हाँ? अच्छा, तुम्हें तो पता है मैं अपने बबलू, चिंकू, पिंकू के चक्कर में उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। देखना जब वो यहाँ आएंगे सारा खाना खाएंगे और लेंगे लंबी डकार। वो ये खाना खा के संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उनकी आत्मा शांत हो जाएगी। दादी कहती सही है, गरम खाना रेडी है। बर्नी तो खोलो, बर्नी तो खोलो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी बर्नी खोलो और उनको बाहर निकालो। खोलो जी मस, आप थोड़ा सा उधर जाएंगी। पहले सफेद वाली बर्नी खोल। ये सफेद वाली क्यों? मौसा जी तो ब्लू वाले में है ना, ब्लू वाली खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंट है इसमें भूत नहीं है ना, तो चेक कर। अरे नहीं नहीं जी, करने दो चेक करने दो मेरी जी, मैं डर नहीं रहा हूँ, बस चेक कर रहा हूँ कि प्रीतम डरता है कि नहीं। चेक कर। अरे मेरा तो डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सारे बड़े काम तो मैं ही करता हूँ। तो ये भी तू ही कर। नहीं, ये काम आज तेरा भाई तुझे मौका देता है, जा ये काम तू करेगा। तो तेरा भाई ये मौका तुझे वापस लौटाता है, तू कर। अरे यहाँ मैं डर रहा हूँ, जल्दी से जो करना है करो। तू खोल। अरे खुल गई। अरे अब मार डालोगे क्या? ये भी कोई तरीका है बाहर निकलने का? हाय 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 हाय, हद है हद। मैं तुम दोनों को ढिबेड़ी नाखेगा। वो क्या होता है? समझ गया। इतना सारा खाना आपके लिए। हाँ, आपको शिकायत रहती थी ना कि मैं मेरे बबलू, चिंकू, पिंकू के चक्कर में आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाती थी, आपको गर्मा गर्म खाना नहीं दे पाती थी। मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। मैंने आपके पसंद का गर्मा गर्म खाना बनाया है। ओह मेरी जानकी, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। तुमने मेरे लिए इतने सारे पकवान बनाए, और बाकी की बातें बाद में हो। अरे इतना सारा खाना, अरे कहाँ से शुरुआत करूं? पापड़ से। गुड आइडिया। मेरी बात सुनिए, जब आप जिंदा थे तब किसी को नहीं सताया, अब आप भूत बन के क्यों सता रहे हो? अरे तब मैं बहुत गुस्से में था और मेरी आत्मा भी असंतुष्ट थी, लेकिन अब मेरी आत्मा ये एकदम संतुष्ट हो गई है, इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। भाई हाथ पकड़। तुम सभी को मेरे ढेर सारे आशीर्वाद। प्रणाम तो करो। चले गए। वो चले गए। हाँ। मौसी अब हम भी जाएं? नहीं नहीं बेटा रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो आओ जी, आओ चलो आओ। अब मेरे चिंकू बबलू रिंकू को कोई चुरा नहीं सकता, कोई उनका नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी हिफाजत के लिए मैंने दूसरा काक बजुका लगाया है। अरे वाह, जिग्नेश बॉल मरी गयो। डरा दिया मुझे भी। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जीजा जी को डरा दिया। अच्छा मुझे डरा दिया, मैं दिखाता हूँ कितना डरा दिया मुझे। जानू अरे क्या हो गया? भूत नहीं हूँ, मैं हूँ डार्लिंग, मैं हूँ। ओह माय गॉड जानू क्या हो गया आपको? कैसे हो गया आपका चेहरा काला? कहीं निकाला तो नहीं आपने दिवाला? मार डाला गुगी, मार डाला। अरे नहीं निकाला है मैंने दिवाला, ये तुम्हारी भाइयों की वजह से हुआ है मेरा चेहरा काला। अरे वो भूत भगाओ डिवाइस हमारे रूम में भी लगा दिया, जिसकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। क्या है जिया जी? भूत नहीं हूँ मैं हूँ, मैं हूँ तुम्हारा जीजा। आज मैं तुम लोगों को ऐसा ठोंगा, ऐसा ठोंगा कि तुम्हें तुम्हारी नानी याद आ जाएगी। एक मिनट, धोने की जरूरत तो आपको है, धोने की मुंह धोने की जरूरत आपको है, क्योंकि आपका मुंह काला हो गया है ना। हाँ तो बताइए, साबुन और पानी लेकर यहाँ पे आओ कि आप पानी और साबुन के पास जाएंगे? मेरे भाई इसको क्यों मार रहे जानू? मार नहीं रहा, मार नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उन दोनों को समझा रहा हूँ कि ये एंटी भूत सिस्टम जो हमारे कमरे में लगाया है उसे बंद करें। बंद करो, बंद कर देंगे तो भूत आ जाएंगे आपके कमरे में। अरे घुसते हैं तो घुसने दो, मैं हर रोज इस तरह भूत बनकर नहीं घूमना चाहता। नहीं घूमना चाहता ना डार्लिंग, बंद करो। सॉरी कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क़, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है चूड़ा। मेरी क्या क्या ये मैं हूँ, तुझे भी अरे डर लग रहा है। मैं हूँ। ये क्या हुआ सर? ये इनकी मेहरबानी से हुआ है। एनीवेज सर ये फाइल लाई थी मैं। इस वक्त रखो, मैं मुंह धो के आता हूँ। हेलो हाँ नितिन भाई, हाँ हाँ मिल गए, वो 50 लाख रुपए मिल गए। या हाँ नहीं, लेकिन उसमें एक गड़बड़ है। क्या है कि वो एक दिन लेट मिले हैं पैसे मुझे, तो वो एक दिन का ब्याज का पैसा आपको देना पड़ेगा। 715 रुपये होते हैं। हाँ हाँ मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन पैसे तो पैसे होते हैं, ब्याज तो ब्याज ही होता है और आपको वो ब्याज देना पड़ेगा। ओके हाँ, आज 7 तारीख है, शाम के 7 बजे आपका चेक मुझे मिल जाना चाहिए। ओके गुड। आई याद आया डार्लिंग, आज 7 तारीख है। अरे याद आया डार्लिंग, आज 7 तारीख है। नहीं वो जीजा जी, मुझे याद आया कि 7 तारीख को मैंने डिसाइड किया था कि मेरी जी के साथ साथ 7 नारियल पानी पीऊंगा, बीच में जाके पीऊंगा। वो सातों 7 नारियल लेकर मैं तेरे सर पर फोड़ूंगा। डार्लिंग आज 7 तारीख है और आज मेरा दूर का कजन कनू और उसकी बीवी कांता और उसकी छोटी सी प्यारी सी बच्ची चकली आज हमारे घर आने वाले हैं पोरबंदर से। दूर का कजिन? वो पोरबंदर दूर है ना, तो दूर से आ रहे दूर का कजिन। अरे सर ये कनू, वही मिस्टर कनू मेहता तो नहीं जिन्होंने आपसे 21 लाख का लोन लिया था? हाँ वही वही। हाँ सर, उन्होंने 6 महीने से तो इंटरेस्ट भी नहीं दिया है। भूल जाओ उन पैसों को, भूल जाओ। मेरी क्या है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो पैसे लौटा सके, ऊपर से उसकी वो बेटी के दिल में एक छेद है, उसके ऑपरेशन के लिए उसे 7 लाख रुपए चाहिए, तो कहाँ से लौटाएगा वो हमारे पैसे? इसलिए मेरी उन पैसों को भूल जा, भूल जा। 7 लाख रुपए तुम बैंक से निकलवाओ, उसकी बेटी के ऑपरेशन का पैसा मैं दूंगा। वाह जीजा जी, मुंह काला हो गया लेकिन दिल अब भी साफ है। चलो तैयारी करते हैं, चलो चलो स्वागत की तैयारी करनी है ना। हाँ गुगी, उनके स्वागत की तैयारी करो। ओके माना की कांडी लगाओ प्रीतम प्यारे के चुंगल में फंस गई, लेकिन इसमें इतना इमोशनल होने की क्या बात है? वैसे मुझे इमोशनल होने की आदत तो है नहीं, फिर भी दोस्त कैद हो जाए तो इमोशन तो बनता है ना। हम भूतों पीढ़ियां चुरा पाए ना दारा को छुड़ा पाए, इससे ज्यादा इमोशनल और क्या हो सकता है? वैसे मुझे पूछने की आदत तो है नहीं, फिर भी पूछता हूँ, आखिर ये इमोशन कब खत्म होंगे? हम खुश होंगे ऐसी खबर हमें कब मिलेगी? वैसे मुझे सवाल पूछने की आदत तो है नहीं, लेकिन इसे देखकर पूछना ही पड़ेगा, ये सैंपल है कौन? खबरदार। मैंने क्या किया है? मतलब ये है खबरदार। अच्छा, भूतों का चलता फिरता न्यूज चैनल। भूतों का न्यूज चैनल मतलब ये हमें भूतों के बारे में डेली अपडेट्स देगा। अच्छा। खबरदार, क्या खबर लाए हो? खबरदार, क्या खबर लाए हो? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नमस्कार। नमस्कार। आज के मुख्य भूत समाचार। पोरबंदर से आ रही स्वराष्ट्र एक्सप्रेस पटरी पर से उतर गई और इस एक्सीडेंट में 21 लोगों का टिकट कट गया। वैसे मुझे रोने की आदत तो है नहीं, लेकिन ये खबर सुनकर रोना ही पड़ेगा। ये खबर रोने की नहीं, खुश होने की है, क्योंकि भूतों की संख्या में 21 लोगों का इजाफा हुआ। That's great news. इसका मतलब है 21 और घोस्ट हमारे गैंग में शामिल होंगे। फुसकी जाओ और उनकी रजिस्ट्रेशन की तैयारी करो। जी। तारा को कैद से निकालने के लिए हमें भूतों की फौज की जरूरत पड़ेगी। वेलकम टू हेल न्यू घोस्ट, वेलकम टू हेल। जीतू राज। आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आई कार्ड कल मिलेगा। चलो नेक्स्ट। जिग्नेश शाह। क्या देख रहा है ये भूतली ना जी है जिनका फोटो लगा है ना बड़ा सा कॉरिडोर में। हाँ नया है वो। कैसा चल रहा है रजिस्ट्रेशन का काम? सारे भूतों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वेरी गुड, लेट मी चेक। इसमें तो सिर्फ 18 भूत रजिस्टर हुए हैं। खबरदार ने तो कहा था 21 लोग एक्सीडेंट में मरे हैं। बाकी के 3 भूत कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। संभालिए, आपकी इस गर्दन को संभालिए। हाँ हाँ हाँ। ये क्या करता, क्या कैसे चलता है? पापा मैं बहुत थक गई हूँ, और कितना चलना पड़ेगा? किसी से एड्रेस पूछिए ना। हाँ पूछता हूँ, इधर कोई दिखता है क्या? ला ला ये रुको भाई रुको। ला ए भाई ये जरा एड्रेस बता दो ना हमको। भाई साहब ये तो बहुत दूर है, चल के जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, और उड़ के जाएंगे तो कुछ भी बोल नहीं, मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम लोगों को टैक्सी में बैठा के लेके जाने तुम। हाँ बैठिए ना, ये दरवाजा खराब है, इधर से आइए। आप पीछे देख के टैक्सी चलाओगे क्या? आगे देख के टैक्सी चलाइए ना। ये क्या सोच क्या रहे हो तुम इतना? वो जो तुमने बोला ना कि चल के जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा, उधर वही एड्रेस पे चलना है तो चलो ना, सोचने का क्या है, चलो। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ ले। अरे बोरा माथी फटना। मैं बस इतना ही कह रही थी कि हम लोग टीकू भाई के घर पे क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं मतलब क्या? उन्होंने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा ना। हाँ बात तो सही है, लेकिन अभी वहाँ जाके क्या फायदा? अब तो हम उन्होंने जो हमें 21 लाख रुपए दिए वो तो कभी हम लौटा नहीं पाएंगे, तो वहाँ जाके क्या फायदा? देख कांता, टीकू भाई को सच सच बताना तो पड़ेगा ना कि हमारे साथ क्या हुआ है, और उनको ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि हम उनके पैसे क्यों नहीं लौटा पाएंगे। देख कांता, जब तक हम टीकू भाई से माफी नहीं मांग लेते हम लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी? पापा माफी के बदले खिलौना मांगूंगी तो चलेगा? हाँ माली बच्ची, मैंने आपको कहा था ना कि प्लेन से चलते हैं, और आप हमें ट्रेन से लेके आए। हो गया ना एक्सीडेंट, हो गए ना हम। कांता प्लेन में जाने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना हमारे पास है, और जो होना था वो तो हो गया, कोनी को तो कोई टाल नहीं सकता है ना। भाई साहब हाँ वैसे आप लोग आए कहाँ से हैं? पोरबंदर से आए ना। तो फिर आप ये मुक्ति की बातें क्यों कर रहे हैं?